हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली के कनॉट प्लेस से। भीड़ में लोगों के सामान बेचने की आवाज आ रही है, कोई चूड़ी बेच रहा है तो कोई गोलगप्पे। अलग अलग स्टॉल्स पर लोग आने जाने वालों को बुला बुला कर अपनी ओर खींच रहे हैं। कुछ ग्राहकों की आवाजें आ रही है जो मोल भाव कर रहे हैं। ये दिल्ली के लोगों का आम दिन है जो किसी बाहर वाले को अफरा तफरी से कम नहीं लगेगा। ऐसा ही आम दिन है 24 वर्षीय शिवम के लिए। मासूम सा दिखने वाले शिवम की आवाजें उस अफरा तफरी को चीरते हुए अलग ही सुनाई दे रही थी, जैसे एक कशिश थी उसकी आवाज में। एक फूड ट्रक जिस पर लिखा है मृणाल के छोले कुलचे, उसके सामने खड़ा शिवम आवाजें लगा रहा है और लोगों को बुला रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस आए और मृणाल के छोले कुलचे ने खाए, तो जी क्या दिल्ली आए और क्यों ही दिल्ली आए। उसकी आवाज लोगों का ध्यान खींच तो रही है। कुछ उसके ट्रक तक आकर रेट्स पढ़कर लौट रहे हैं, तो कुछ सिर्फ एक प्लेट लेकर उसमें से पूरे परिवार का स्वाद निपटा रहे हैं। खैर, मायूस सशिवम आवाजें लगाते हुए कब दोपहर से शाम कर बैठा उसे पता ही नहीं चला। एक और दिन निकल गया और आज भी गल्ले में कुछ कम ही कमाई चमक रही है। पैसों को गिनकर अपनी जेब में डालते हुए उसने अपने साथ काम करने वाले अमन पाजी को ट्रक बंद कर आगे बढ़ाने को कहा। आज घर में शादी है तो थोड़ा जल्दी जाना है। पाजी ने हाँ में सर हिलाया और जब तक वो बाकी सामान पैक करने में जुट गए, शिवम फोल्डिंग कुर्सियां उठाने लगा। अपनी धुन में मगन वो कुर्सियां बटोर ही रहा है कि उसे कुछ आभास हुआ। थोड़ा सकपका कर डरते हुए जैसे ही उसने नजर उठाकर सामने देखा, तो दूर खड़े दो आदमी उसे दिखाई दिए जो उसे ही घूरे जा रहे हैं। सूट बूट से लेस वो दोनों एक टक उसे ही देखे जा रहे हैं। शिवम ने नजर घुमाकर इधर उधर देखा और वापस उन दोनों की तरफ देखा। उसके चेहरे से साफ था कि उसे समझ आ गया है आखिर मामला है क्या। पहले तो वो थोड़ा हड़बड़ाया और फिर जल्दी जल्दी में कुर्सियां ट्रक के अंदर पटक कर चाबी पाजी की तरफ फेंक कर फुर्ती में वहां से निकल गया। पहले तो तेजी से चलने लगा, लेकिन फिर जैसे ही उसने नजर घुमाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी सांसें बढ़ गई और अब उसकी रफ्तार में और तेजी आने लगी। चलते हुए एक गली में मुड़ा, फिर दूसरी और तीसरी। चलते हुए उसने वापस पलट कर देखा इस उम्मीद में कि शायद वो जा चुके होंगे, लेकिन एक पत्थर उसके पैर में ऐसा फंसा कि वो डगमगा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। बेतहाशा हालत में उसने उठने के लिए अपना हाथ जमीन पर कसा और जैसे ही उठकर खड़ा हुआ कि सामने से तेज रोशनी ने उसकी आंखें चकाचौंध कर दी। रोशनी से चुंधियाई हुई आंखों को बचाते हुए हाथ को हटाकर उसने सामने नजर मारी तो एक बड़ी सी बेंटले कार को खड़ा पाया और मानो जम से गए। उसके कानों के पास से बहती हुई सनसनाती हवा ने जैसे उसके रोम रोम को चौकन्ना कर दिया। जिन अतीत के पन्नों को फाड़ कर वो कपका जलाकर राख कर चुका था, वो आज फिर उसके सामने खुलकर उड़ रहे हैं। और फिर उस कार का दरवाजा खुला जिसमें से एक आदमी निकलकर उसकी तरफ चलकर आया। जिस किस्से को पिछले 15 साल से वो रोज थोड़ा थोड़ा करके भुला रहा था, वो आज उसके सामने उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा मुस्कुरा रहा है। शिवम इस आदमी को पहचानता था। शिवम के सामने खड़े 58 वर्षीय आदमी के चेहरे में और हाव भाव में ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिवम उसकी तरफ देखता है और मुड़कर जाने को हुआ कि वो दो आदमी भी जो उसका पीछा कर रहे थे उसके सामने खड़े हो गए। वो उन्हें मार गिराना चाहता था, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाया। हालांकि शिवम टेंशन में था, लेकिन उसको वो दिखाना नहीं चाहता था। शिवम उन आदमियों को अपने सामने से हटाते हुए जाकर उस कार में बैठ गया। अंदर एक अजीब सी कशमकश का माहौल था। शिवम ने उस आदमी से पूछा, आप लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? एक तीखी मुस्कान के साथ उस आदमी ने जवाब दिया, आपसे बेहतर कौन जानता है कि हम जिसे ढूंढना चाहे उसे पाताल लोक से भी खींच निकाले। फिर आप तो यहाँ दिल्ली में ही मिल गए। क्यों,
सही कहा ना मैंने मिस्टर शिवम शाह? शिवम के चेहरे पर बेचैनी का माहौल छा गया, जैसे ही उसने तेजी में कह डाला, मेरा नाम शिवम शाह नहीं, शिवम गांधी है। हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो आपसे ही मिलेगा, अब चाहे आप शाह रहें या गांधी बनकर घूमे। और मैं भी आपसे कह चुका हूं, अच्छे से समझा चुका हूं कि जो आपको मुझसे चाहिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। उस आदमी के चेहरे पर मायूसी साफ झलकने लगी। उसने गहरी सांस ली और शांत भाव से शिवम की तरफ देखा। तो मैं ये मान लूं कि आप सच में सर यानी अपने दादाजी का इनविटेशन ठुकरा रहे हैं? भाड़ में गए आपके सर। शिवम से अब और सहन नहीं होता और वो सच का सामना करता है। जिस पल उन्होंने चुपचाप खड़े होकर मुझे और मेरी माँ को उस घर और उस परिवार से अपने बेटे के हाथों बेइज्जत होते देखा, उसी वक्त से उनके साथ मेरे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए थे। और ये कहते ही शिवम के सामने 15 साल पुराना अतीत चमकने लगा। उसकी माँ जमीन पर गिरी पड़ी है, उसके माथे से खून निकल रहा है और कोई उसे मार रहा है। 8 साल का शिवम इस दर्दनाक दृश्य को देख रहा है। पास में खड़े दादाजी कुछ नहीं बोल रहे थे। अतीत के इस मंजर से शिवम को उस काले सूट वाले आदमी ने बाहर निकाला। आप भी जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। 2 साल से दादाजी की तबीयत खराब है, उन्होंने ही कहा था कि हम आपको ढूंढ कर लाएं। शिवम बहुत ही सीरियस टोन में उस आदमी से कहता है, मुझ पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला है। मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि उस घर में वो इंसान रहता है जिसने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की थी, और यही दादाजी थे जिन्होंने अपने बेटे को रोकने की कोशिश भी नहीं की। अब उन्हें मुझसे क्या चाहिए? अब प्लीज जाकर उनसे कह दो कि मुझे मेरी जिंदगी अपने शर्तों पर शांति से जीने दें। शिवम, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? सोच कर देखिए, आप एक शाह होकर किस परिवार से अपना नाता तोड़ना चाहते हैं? शिवम के गुस्से का बांध टूट जाता है और वो कार की खिड़की के कांच पर गुस्से में मुक्के मारना शुरू कर देता है। वो आदमी समझ नहीं पाता कि शिवम इतनी जिद क्यों दिखा रहा है। वो उसका हाथ पकड़ता है। शीशे को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका हाथ जरूर जख्मी हो जाएगा। दादाजी ने साफ साफ कहा है कि हम आपको उन तक एकदम सही सलामत पहुंचाएं। शिवम को मानो तो जैसे काटो तो खून नहीं। वो उस आदमी की तरफ मुड़ता है और अपने गुस्से को पीकर कहता है, देखिए मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, 15 साल का वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, और मुझे नहीं लगता कि दादाजी, मेरा मतलब है सर, भी कभी भूल पाएंगे। और अगर वो भूलना चाहेंगे भी तो मैं उन्हें भूलने नहीं दूंगा। उस दिन सर के बेटे ने मेरी माँ की बेइज्जती की थी, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी, उनका भरोसा तोड़ा था, उनकी औकात 1-2 कौड़ी के इंसान से बदतर की थी। उस दिन मेरी माँ के साथ जो सलूक हुआ था उस घर में, उन्हें जैसे सर के बेटे ने धक्के मारकर बाहर निकाला था, और क्या गलती थी उनकी, यही ना कि वो कहते हुए शिवम अचानक से रुक गया। क्या हुआ था उस दिन? ऐसा क्या किया था शिवम की मां ने जिसके कारण उन्हें शाह परिवार से उनके पति ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, और फिर आज अचानक शिवम को लेने क्यों आए? शिवम उस दिन के ख्यालों में खोया ही था कि वो आदमी बोल पड़ा, इसका मतलब है आपको उन फटीचर नारंग के यहाँ एक गरीबी वाली और जिल्लत भरी जिंदगी जीना मंजूर है, लेकिन शाह फैमिली में लौटना मंजूर नहीं। शिवम को जैसे नारंग फैमिली के उल्लेख पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो तपाक से बोल पड़ा, शाह परिवार को सिर्फ पैसा दौलत और शोहरत से मतलब है। क्या तुम्हारे भी भेजे में ये नहीं घुस रहा कि ये बात पैसे और रुतबे की नहीं, इज्जत और स्वाभिमान की है? जिस घर में वो इंसान रहता हो जिसने मेरी माँ की इज्जत नहीं की, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा। जाकर बोल दो अपने सर से। गुस्से में उसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया और कहा, दरवाजा खुलवाइए और मुझे जाने दीजिए। ये कहते हुए शिवम मुड़ता है और कार के दरवाजे को एक जोर का धक्का देता है।
जिससे दरवाजा एकदम से खुल जाता है और वो हड़बड़ाता हुआ बाहर की तरफ जमीन पर जा गिरता है। गाड़ी रफ्तार में चल रही थी। शिवम रोड पर गुलाटियां खाते हुए पीछे की तरफ गिरते हुए पहुंचता है, लेकिन बेंटले के पीछे से अटका हुआ एक ट्रक शिवम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। तभी ये देखते हुए काले सूट वाला आदमी अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है और उस ट्रक के टायर पर गोली चला देता है। गोली लगने के इंपैक्ट से ट्रक अपना बैलेंस लूज कर सड़क के साइड पेवमेंट पर चढ़ जाता है। शिवम की जान बच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी शिवम को वापस जबरदस्ती अंदर बिठाए, वो जैसे तैसे उठता है और बेतहाशा भागना शुरू कर देता है। शिवम के चेहरे पर सालों का दबा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके दिमाग में हजारों ख्याल एक तूफान की तरह चल रहे थे। शिवम के कानों में उसके पिता की आवाज गूंजने लगती है, तुमने जो किया है उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। तुमने शाह परिवार के रुतबे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जो हरकत तुमने की है उसकी सिर्फ एक ही सजा है, तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। एक 24 साल के लड़के ने अपनी पत्नी और शिवम की मां से कहा। जवाब में शिवम की मां ने भी कहा, चलिए तो मैं जाऊंगी, लेकिन सारा सच अभी भी ढका हुआ है। हिम्मत है तो पूरा सच बताओ। ये कहते ही उस लड़के ने उस लड़की को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी मार से वो नीचे गिर पड़ी और उसके माथे से खून निकलने लगा था। शिवम अपने ख्यालों से बाहर आता है जब पास से गुजरती हुई एक कार की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वो पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है कि वो कार अब भी उसका पीछा कर रही है। शिवम ने वापस चलना शुरू किया और एक ही ख्याल उसके अंदर बार बार कौंध रहा है कि चाहे जो हो जाए, जिस दलदल से उसे सालों पहले बाहर निकालकर फेंका जा चुका था, उसी कीचड़ में अब वो वापस नहीं लौट सकता। और लौटे भी क्यों? क्योंकि वो जिस कारण से शिवम को वापस अपने पास बुलाना चाहते हैं, वो उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। उसके दिमाग में तो कुछ और ही है जो वो वापस जाकर पूरा नहीं कर सकता। अचानक उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी के भाव उजागर हो चले, जैसे कि उसके पीछे वो कार नहीं बल्कि एक भयानक और दिल दहला देने वाली याद थी, जिससे वो जितना हो सके दूर जाना चाहता था। एक कड़वी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे को छूकर निकल जाती है और वो घृणा से कहता है, शाह फैमिली। मालूम तो था उसे कि ये लोग उसे एक ना एक दिन ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन इतनी जल्दी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसी कड़वे सपने से दूर जाते हुए वो इधर उधर देखने लगता है कि कोई टैक्सी या कैब मिले और वो उसमें बैठकर इन लोगों से दूर, बहुत दूर निकल जाए। जाने कितने ही ऑटो टैक्सी रोकने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त रोहिणी तक का सफर कहां इतनी आसानी से। अपनी हर कोशिश में असफल हो उसने अचानक मुड़कर देखा और ये क्या, वो कार अब भी उसके पीछे है। शिवम अचानक रुक जाता है और गुस्से में उस कार को देखने लगता है। शिवम के सब्र का बांध अब टूटने को था। जो करने से वो अपने आप को रोक रहा था, उसके लिए उसके हाथ मचल रहे थे। वो खुद को समझा ही रहा था कि वो गाड़ी स्टार्ट हुई और तेजी से उसके सामने आ रुकी। शिवम उनके सामने डटकर खड़ा रहा, लेकिन उन आदमियों ने जबरदस्ती पकड़कर उसे कार के अंदर घसीटा, दरवाजा बंद किया और तेजी से कार वहां से निकल गई। अब क्या करेगा शिवम? क्यों बैठा है कार के अंदर? कौन है ये लोग और वो क्यों शिवम को शाह फैमिली में वापस लाना चाहते हैं? क्या शिवम वापस लौटेगा उन अतीत के सायों के बीच? क्या हुआ था 15 साल पहले जो शिवम और उसकी मां को यूं जलील किया गया था? क्या है शिवम की सच्चाई? कौन है वो? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन पॉकेट FM।